हेलो दोस्तों, मैं सुभय कुमार। दोस्तों, 65th BPSC मेंस के लिए जो हम हैंड रिटेन नोट्स और क्विक रिविजन लेकर आते थे दोस्तों, वो है जो करीब करीब अब अंतिम चरण में है। और मैंने सभी टॉपिक को एक डेटाबेस टाइप का मैंने बनाकर आपके सामने है जो रखा है, ताकि जो एग्ज़ाम में उसको एक नए तरीके से प्रस्तुत कर सके। और जो मेरा डेटा है दोस्तों, वो है जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपको एग्ज़ाम में एक नए तरीके से जो लिखने में काम करेगा। दोस्तों, अब करीब करीब 65th BPSC का अब 15 दिन आपके पास बचे हैं, तो आपके पास रिवीजन का भी टाइम होगा। तो आप है जो उसमें रिवीजन कर रहे होंगे, अब ज़्यादा है जो नया चीज़ पढ़ने से और कन्फ्यूजन होती है, तो आप जो पढ़े हैं उसी चीज़ को उसको रिवाइज करें, उसको कंप्रेस करें अपने दिमाग में, एक फॉर्मेट बनाएं हर एक क्वेश्चन का, कि अगर ये चीज़ आता है तो हम कम से कम इतना चीज़ तो ज़रूर लिख सकते हैं। तो आज हम दोस्तों, हम 65th BPSC का किसी इंस्टीट्यूट्स का एक क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस को पे हम चर्चा करेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे लिखना है। आप लोग अगर उस इंस्टीट्यूट से जुड़े होंगे तो आप है जो ज़रूर आंसर लिखे होंगे, लेकिन मुझे मिला तो मैंने सोचा कि आज हम इस पर आपसे चर्चा करें। और चर्चा करने के उपरांत दोस्तों, हम है जो एक ओवरव्यू बता के चलेंगे और क्वेश्चंस को किस प्रकार से आपको टकल करना है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे कि भारत नेपाल संकट के बीच विशेष संदर्भ में भारत दक्षिण एशिया के हाल के संबंध का विश्लेषण करें। दोस्तों, कभी भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो फर्स्ट बार केयरफुली क्वेश्चन जरूर पढ़ें। फर्स्ट बार का पढ़ा हुआ ही क्वेश्चन आपके दिमाग में है जो अटैक करता है, और वही है जो आपके दिमाग में फॉर्मेट बनाता है कि इस क्वेश्चंस के बारे में क्या लिखना है। आप दोस्तों जब भारत नेपाल पढ़ें तो आप भारत नेपाल पढ़कर नहीं छोड़ दें, और भारत नेपाल में पूरी कहानी मत लिख दें। दोस्तों, ये क्वेश्चंस के अंदर में पूरी जो पूरी है, जो कोर पॉइंट है भारत नेपाल संकट के बीच दक्षिण एशिया पे, इसकी पूरी है जो दरमदार है जो दोस्तों है जो इस पे है जो क्वेश्चंस का आपका बना हुआ है। दोस्तों, अगर मान लीजिए कि भारत नेपाल संकट के बीच अगर दक्षिण एशिया की बात कर रहा है, तो आप लोग दक्षिण एशिया की अगर बात किया जाए तो सार्क बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, जितने भी सार्क के जो कंट्री हैं, ये है जो कहीं ना कहीं है जो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप जानते हैं दोस्तों कि ये सब सभी के साथ संबंध की स्थिति को नेपाल और भारत के साथ जोड़ते हुए आपको आंसर को लिखना है। दक्षिण एशिया के पूरी बात में कर रहा हूँ। आप जानते हैं दोस्तों कि जब आप भूमिका लिख रहे हो तो निश्चित रूप से भूमिका में दक्षिण एशिया को पुटअप कीजिए और भारत नेपाल के साथ है जो उसको है जो जोड़ने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, आपके जानते हैं कि भारत नेपाल के बीच जो रिश्ता है 1950 से लेकर मैत्री संधि से वर्तमान 2020 तक, भारत के राजनीतिक आर्थिक सामाजिक वो समस्याएं वो कहीं ना कहीं है जो प्रगाढ़ रही है। लेकिन 2014 के बाद दोस्तों एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने कहीं ना कहीं है जो चेंजिंग किया है। तो आप है जो दोस्तों एक्ट ईस्ट पॉलिसी की चर्चा है जो जरूर करें, नया तरीके से लिखने का प्रयास करें। और साउथ ईस्ट में जितने भी है सार्क का दोस्तों फेलवर होना, नेपाल भी उसकी है जो कहीं ना कहीं है जो एक सदस्य के रूप में है, 36 सालों में दोस्तों 18 बार है जो सम्मेलन हुआ है, सार्क का फेलवर होना कहीं ना कहीं है जो एक नए तरीके से नकारात्मक भूमिका को दिखाता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान और नेपाल के बीच जो स्थितियां बन रही है ट्रेंगुलर टाइप का, साउथ एशिया के लिए एक है जो सकारात्मक भूमिका है, लेकिन इंडिया के लिए नकारात्मक भूमिका है। तो ये सब चीज है दोस्तों कहीं ना कहीं है जो आपको लिखना है। इंडिया चाइना और नेपाल के संबंधों को जोड़ते हुए भी है जो इस क्वेश्चन के अंदर में लिखने का प्रयास कीजिएगा। बाकी दोस्तों, अब भारत नेपाल के रिश्ते को आप है जो सिर्फ है जो कुछ पॉइंट पे आज पिकअप कीजिएगा, और ज़्यादा है जो आपको दक्षिण एशिया के हाल के संबंधों का विश्लेषण करते हुए आपको इस क्वेश्चंस को लिखना है। ये नहीं कि दोस्तों भारत नेपाल के बीच में पूरा लिख दिए और उसका है जो इफेक्ट्स, आप है जो थोड़ा मधेसी की चर्चा इसमें जरूर कीजिएगा कि मधेसी एक फैक्टर है दोस्तों जो भारत नेपाल को है जो कहीं ना कहीं है जो जोड़ने का प्रयास करता है सांस्कृतिक रूप से, और ये सांस्कृतिक रूप से जोड़ने का प्रयास करता है और है जो दक्षिण एशिया के लिए भी है जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप है जो दोस्तों इससे लिखने का प्रयास कीजिएगा। और दूसरी चीज़ है कि जब आप लिख रहे हैं तो वर्तमान जो संकट, जैसे मान लीजिए कि भारत में चिकित्सा कूटनीति, ये सब वर्ड का जरूर यूज कीजिएगा दोस्तों। चिकित्सा कूटनीति जो भारत ने है जो कहीं ना कहीं है जो ऑपरेशन सेतु सागर के माध्यम से
है जो, या 140 देशों को है जो भेजा, उसमें नेपाल भी था। अभी हाल फिलहाल में है जो नरवणे जो गए हैं 1950 से, जो दोनों एक दूसरे के मानव उपाधि को कहीं ना कहीं जो इंटरचेंज करता है, तो वो सब चीज़ है जो ये लिखने का प्रयास कीजिएगा। दूसरी चीज़ है कि दोस्तों जो भारत के साथ जो रामायण सर्किट की बात हो रही है, उसमें है जो बहुत श्रीलंका और लंका सभी को जोड़ने का उसमें प्रयास कर रहा है। 9 कम से कम है जो 9 राज्यों, भारत के 9 राज्यों में, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है जो उसको जोड़ने का है जो प्रयास किया जा रहा है। तो रामायण सर्किट की भी चर्चा आपको करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज़ की COVID-19 के समय जो SARC के माध्यम से $1 बिलियन का आपात राहत कोष बनाने का जो प्रयास किया गया था इस संकट में, तो उसकी भी है जो चर्चा आपको करनी है। तो आपको भारत नेपाल को टच करते हुए दक्षिण एशिया पे है जो हमको फोकस करना है। तो मेरा मुझे यही कहना है दोस्तों कि क्वेश्चंस को समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ये नहीं कि भारत नेपाल के काला पानी विवाद, तो ये विवाद, तो वो सुस्ता विवाद, तो करेंसी स्वैप विवाद, तो ये सब विवाद से आपका आंसर है जो कहीं ना कहीं भटका हो जाएगा। आप क्वेश्चंस को कोर को पकड़ने में कहीं ना कहीं है जो आप नकारात्मक साबित होइएगा। इसीलिए क्वेश्चंस को दक्षिण एशिया के संबंधों पर है जो लिखने का है जो प्रयास कीजिएगा। दूसरी बात है कि वैश्विक क्वेश्चन नंबर दूसरी बात है दोस्तों कि वैश्विक महामारी में COVID-19 की चर्चा करते हुए भारत एवं बिहार पर इसके सामाजिक आर्थिक प्रभाव की चर्चा करें, आपके दूसरी क्वेश्चन है। तो COVID-19 के बारे में मैंने दोस्तों सभी तरह के डेटा है जो आपको उपलब्ध करा दिए हैं। भारत के साथ, बिहार के साथ सामाजिक आर्थिक कहाँ पर एक प्रॉब्लम हुई, कृषि क्षेत्र में बढ़ा है, MSME सेक्टर में घटा है, सेवा सेक्टर में घटा है, रोजगार की समस्या। हाँ, मैंने कल 2 दिन पहले वीडियो बनाया है कि इसके सामाजिक और आर्थिक प्रयास पर जब पॉजिटिव क्या होंगे, निगेटिव क्या होंगे, तो इसके हमने पूरी चर्चा है जो हमने कोरोना वाले में हमने किया है, COVID-19 वालों में। आप है जो उसको है जो एक वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको सामाजिक और आर्थिक प्रयास करना है, तो आप जानते हैं दोस्तों कि कहीं ना कहीं है जो एक पूरा समुदाय है इससे जो पीड़ित रहा है, जिससे साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ा है, शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य सब पर है जो इसका इफेक्ट पड़ा, और आने वाला समय में कहीं ना कहीं इसकी और है जो स्थिति है जो कहीं ना खराब हो जाएगी। टीकाकरण की समस्या, खाद्य असुरक्षा, रोजगार, ये सब है जो सामाजिक और आर्थिक प्रभाव को MSME सेक्टर का जाना, तो ये सब इसके बहुत बड़े डायमेंशन है दोस्तों। आप है जो जरूर उस वीडियो को देखिएगा, क्या कि मैंने कल ही उस वीडियो को मैंने बनाया है, इसीलिए इसके हम विशेष चर्चा है जो नहीं कर रहे हैं। इसके बहुत इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट है जो हमने दोस्तों है जो एक चार्ट में बना कर दिया है, कैसे सामाजिक और आर्थिक प्रभाव है जो कोरोना काल में है जो पड़ा है, कि रोजगार की समस्या हुई है, पोषण की समस्या हुई है, टीकाकरण की समस्या हुई है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ा है, एडुकेशनल सेक्टर पे जो इफेक्ट पड़ा है, जो तकनीक की कमी होने के, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने के चलते है जो शिक्षा पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, लेकिन एक आपदा के अवसर के रूप में भी है जो इसे देखा गया है। आत्मनिर्भर भारत की बात किया जाए, वोकल टू लोकल की बात किया जाए, तो एक है जो 21वीं सदी का स्वदेशी आंदोलन की बात करता है, तो यह जो कहीं ना कहीं है जो COVID-19 के समय है जो यह जो लिखने का प्रयास कीजिएगा, और बिहार से भी उसको जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। क्या कि ग्लोबल पेंडेमिक है, तो जो भारत ने सहा है वो भी बिहार ने सहा है। बिहार है जो उस पर टेस्टिंग, ट्रेसिंग, टीम वर्क और में ट्रेसिंग में कहीं ना कहीं जो कमजोरियां दिखाई है, जिसके कारण है जो सामाजिक जो जो दुष्प्रभाव और पड़ा है, इसके कारण है जो रोजगार की समस्या बढ़ी है। इसके लिए प्रधानमंत्री गरीब रोजगार कल्याण योजना 6 राज्यों में 32 जिले, 116 जिले और 32 जिले बिहार के थे, जो 32,000 करोड़ रुपया जो खर्च किया गया है। तो ये सब चीज़ को है जो आपको लिखना है, तो बहुत बड़ी चर्चा हो जाएगी दोस्तों इसके बारे में। लेकिन इसके जो कोर पॉइंट्स है सामाजिक आर्थिक, इसको है जो जरूर है जो पकड़ने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं, और केंद्र और बिहार सरकार ने इसके द्वारा किए गए प्रयासों की चर्चा करें। दोस्तों वर्तमान समय में आधी आबादी वाला देश है, करीब करीब 48% है जो महिलाएं हैं हमारे देश में हैं, लेकिन आज भी है जो उनको जो अधिकार मिलना चाहिए वो है जो नहीं मिला है। बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसे कहते हैं, आज तो हमारी संसद में जब इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है, तो और एक फेडरल संघीय सरकार में जब हमारे केंद्र में इनके लिए व्यवस्था नहीं की गई है,
तो और इसकी क्या मने अहमियत है जो देखा जा सकता है। आप है जो 73वें संविधान संशोधन में 33% और बहुत सारे राज्यों में इसे जो 50% कर दिया गया, हरियाणा है जो कल ही किया है दोस्तों, लेकिन आधा आबादी आज भी है जो कहीं ना कहीं है जो इसके लिए नकारात्मक है। तो इसके सरकार के द्वारा जो किए गए प्रयास है वो तो प्रयास दिखते हैं दोस्तों कि महिलाओं के लिए विशेष प्रकार की जो सुविधा, जो या तो बिहार की अगर बात किया जाए, अगर भारत की बात किया जाए तो महिला सशक्तिकरण पे है जो बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, लेकिन आज भी है जो अमली जामा है जो उसे पहनाया जा रहा है। एक बुक है दोस्तों, सिडनी राय का एक बुक है, उस बुक के बारे में कोटेशन जरूर कीजिएगा। उसमें है जो जहाँ पर महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा होती है वहाँ भ्रष्टाचार कम होता है, उन्होंने उस बुक को कोटेशंस किया है। और अगर बगल के देशों के बारे में अगर बात किया जाए दोस्तों, तो पाकिस्तान में हमसे ज़्यादा है जो महिलाएं वहाँ की संसद में प्रवेश करती हैं। अभी हाल फिलहाल में दोस्तों 101 राज्यसभा लोकसभा मिला के 101 है जो महिलाओं की संख्या हो गई थी। 1951 में जहाँ 4% थी, अभी है जो 16 या 17% हो गई 78 सीटों के साथ, अभी है जो महिलाएं हैं जो लोकसभा में हैं। तो ये कहा जा सकता है दोस्तों कि महिलाओं के लिए अगर महिलाएं रहेंगी तब उनका सशक्तिकरण और उनके कानून में जो भागीदारी होगी तो उनके लिए एक नया है जो अध्याय है जो जुड़ेगा। कुछ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अब है जो ट्रिपल तलाक जैसे है जो उसको आप है जो लिखने का प्रयास कीजिएगा। हिंदू विवाद नियम के बारे में है जो भी ये थोड़ा सा चर्चा कीजिएगा। महिलाओं को 21 वर्ष एज करने की जो बात की गई है उसके बारे में जया जेटली की अध्यक्षता में, उसके बारे में भी थोड़ा है जो चर्चा जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये सब चीज़ है जो आपको महिला सशक्तिकरण के बारे में है जो निश्चित रूप से है जो ये सब चीज़ है जो लिखने का प्रयास कीजिएगा। बिहार सरकार में जो 7 निश्चय योजना है आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, फिर है जो जन्म से लेकर स्नातक तक 54,100 रुपया, बिहार पोषण अभियान जीविका, तो ये सब है जो आपको कहीं ना कहीं है जो उसमें है जो काम करेगा ताकि जो महिलाओं को। और रिपोर्ट्स दीजिएगा कि बिहार में भी 25% एनएसओ का जो रिपोर्ट्स है, एनएसओ का रिपोर्ट्स है जो 25% महिला है जो रोजगार के क्षेत्र में आई है, और ग्रामीण स्तर पर जो 6% जो थी वो है जो कहीं ना कहीं है जो बढ़कर 9% हुआ है शहरी स्तर पर। तो ये सब चीज़ है कुछ डेटा है जो आप देने का प्रयास कीजिएगा। उनको है जो एमएसएमई सेक्टर में है जो बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। मुद्रा योजना में तो बहुत सारी योजनाएं हैं जो महिलाओं से रिलेटेड है दोस्तों, तो है जो एक निश्चित रूप से है जो इसके एक बहुत बड़ा है जो आपका कोटेशन बन जाएगा। कुछ इसके नकारात्मक प्रभाव भी है, एनसीआरबी का रिपोर्ट सब है जो दे सकते हैं, गर्भपात का रिपोर्ट है जो दे सकते हैं कि 15 लाख महिलाएं साल भर में अपनी गर्भपात है जो कराती हैं, कहीं ना कहीं है जो भी है जो एक नकारात्मक है जो भारत के इतने बड़े लोकतंत्र में एक समाज में एक नकारात्मक होती है। फिर है जो घरेलू हिंसा की बात किया जाए तो भी है जो एक प्रकार की है जो नकारात्मक ही है। तो ये सब चीज़ है जो आप है जो लिखने का प्रयास कीजिएगा। फिर है जो उनके अधिकार की बात, अभी संपत्ति में अधिकार की बात है जो किया जा रहा है, तो ये सब चीज़ें सुप्रीम कोर्ट का कुछ जजमेंट है उसको है जो देने का प्रयास कीजिएगा। बिहार में स्वाविलंबन बटालियन है जो बनाया जा रहा है दोस्तों महिलाओं के लिए। तो ये सब चीज़ें बहुत सारा डेटा है दोस्तों, इतना डेटा है कि आप लिखते लिखते थक जाइएगा। तो आप है जो सब चीज़ को एक बना के रखें कि हमको क्या लिखना है ताकि जो आप है जो उसको एग्जाम के अंदर में उतार सकें। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की स्थिति के विशेष संदर्भ में खाद्य सुरक्षा की स्थिति पर टिप्पणी करें। दोस्तों हमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 की चर्चा तो करनी है, लेकिन इसके संदर्भ में पूछ रहा है कि खाद्य सुरक्षा से लेकर। आप जानते हैं दोस्तों कि जो खाद्य सुरक्षा के कारण है जो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, अगर खाद्य सुरक्षा नहीं होगा तो कुपोषण की समस्या। आप जानते हैं दोस्तों कि 14% है जो भारत में जो कुपोषण से है, और ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो अभी रिपोर्ट आया है ये भी रिपोर्ट पे कहीं ना कहीं है जो दोस्तों है जो दाग है। इसके लिए है जो विशेष आर्टिकल मैंने खुद है जो इसके बारे में लिखा था, जिसमें है जो लिखा बताया गया है कि जो इंडेक्स बनाती है इसके दो पहलू हैं, ये दो दो संगठन मिलकर बनाती है, एक है जो जर्मनी की और दूसरा है जो आयरिश, वो दोनों मिलकर है जो इसका इंडेक्स को बनाती है, और दोनों है जो भारत के विचार से नकारात्मक भूमिका में रहता है, और कहीं ना कहीं है जो भारत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनकी रैंकिंग को कम करने में वो जो दो भी संगठन है
उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो एक रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जाता है कि ये जो कहीं ना कहीं है जो इसका एक नकारात्मक प्रभाव है जो इसके इंडेक्स पर पड़ता है कि भारत अभी जो 97 अगर मैं राइट हो तो दोस्तों 94 या 97 है 107 देशों में, इसको चेक कर लीजिएगा 94 या 97 है जो रैंकिंग है। इस रैंकिंग के पीछे भी बहुत बड़ा हाथ होता है। अभी एक अधिनियम आया था दोस्तों, FCR एक बिल आया है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट आया है, जिसके माध्यम से बाहरी देशों का पैसा है जो आता है और यहाँ पर है जो उसके कुपोषण और खाद्य सुरक्षा शिक्षा में है जो उस पैसा को लगाया जाता है, इसके जो सरकार ने संशोधन किया जिसके कारण है जो दो मानवाधिकार समूह मानवाधिकार समूह और एक है जो ऑक्सफॉर्म जैसी है जो संस्था है भारत में अपना है जो काम है जो बंद कर दिया गया है। भारत ने बोला है कि जो रिपोर्ट्स है उसका आधार है जो बहुत छोटा सैंपल में लिया गया है और छोटा सैंपल में लेने के चलते जो भारत के रैंकिंग को कम किया गया है और है जो नकारात्मक दिखाया गया और गंभीर प्रकृति में दिखाया गया है। तो इसके ऊपर सवाल भी है जो कुछ है, लेकिन आपको अगर लिखना है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की अगर उसके जो पैरामीटर्स हैं उस पैरामीटर्स को जरूर है जो देख लीजिएगा। स्टंटिंग होता है, 4-5 प्रकार के पैरामीटर्स होते हैं, उस पैरामीटर्स पे जो उसकी बात की जाती है। तो खाद्य सुरक्षा से इसको जोड़ कर लिखिएगा, NFS सिस्टम को है जो डालिएगा कि अगर इतनी बड़ी देश की व्यवस्था में अगर राष्ट्रीय फूड सिक्योरिटी अगर है तब पर भी है जो बहुत ज़्यादा समस्या है जो खाद्य सुरक्षा पे है। और ज़्यादा 4 राज्यों को दिखाया गया दोस्तों, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड, ज़्यादा इलाकों को कि है जो ज़्यादा है जो प्रॉब्लम है जो यहीं पर ही है, 50% के आसपास है जो प्रॉब्लम है जो ये बताया है। तो बिहार को जरूर है जो ऐड कर दीजिएगा। इसके लिए है जो अभी एक देश एक राशन कार्ड ये है जो व्यवस्था है जो भी की गई है, करीब करीब 80 करोड़ लोग हैं जो दोस्तों है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नीति के माध्यम से जो उनको लाभ उठा रहे हैं। करीब करीब 1,00,000 करोड़ रुपया जो भारत सरकार का बोझ आता है, 2 रुपये चावल, 3 रुपये गेहूँ और मोटे अनाज है जो मिलता है, जिसके कारण जो भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति पहले से बेहतर हुई है, लेकिन है जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इसे जो नकारात्मक दिखाया गया है। तो इसके पीछे भी बहुत बड़े कारण है। तो खाद्य सुरक्षा एक बहुत बड़ी समस्या है भारत के अंदर में, ऐसा इसे नकारा नहीं जा सकता है। आप जो PDS सिस्टम की अगर बात किया जाए, 1997 में PDS सिस्टम को लाया गया था, उसके बाद है जो फिर सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने BPL DPL को करके इन अंत्योदय योजना को लागू किया। तो ये सब चीज़ दोस्तों है जो आप है जो उसमें लिखने का है जो प्रयास कीजिएगा, लेकिन फोकस है जो खाद्य सुरक्षा और ग्लोबल हंडर इंडेक्स के जो 4-5 पैरामीटर्स हैं उस पर है जो जोड़ने का है जो प्रयास कीजिएगा। तो कुछ ऐसा था दोस्तों जिसपे हमने चर्चा करने के लिए सोचा कि हाँ इससे क्वेश्चंस में थोड़ा सा चर्चा करें ताकि है जो आपको एक ओवर भी हो जो जरूर मिल जाए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। इसके लिए अगर वीडियो नहीं आएगा, अब अपनी तैयारी में लगे रहें, अगर किसी प्रकार का अगर ऐसा होगा तो मैं एक दो वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो मैं और डाल दूंगा, लेकिन 65th के लिए हम क्लोज करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। अगर अच्छा लगता है तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, यही मेरा मानक होता है।